सभा के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है। पटल पर रखे जाएंगे कई वार्षिक प्रतिवेदन। विभागीय मंत्री 8 संशोधन विधायक यहां पे पेश करेंगे। विधानसभा के 6 सदस्य याचिकाओं की प्रस्तुति यहां पे की जाएगी। आपको बता दें कि वहीं शासकीय विधि विषय के कार्य में 8 बिंदुओं पर चर्चा होनी है। लॉ एंड ऑर्डर पर सदन में हंगामे के आसार हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमसे जुड़ गए हैं। राजेश, आज भी हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं, कौन से प्रतिवेदन हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का चौथा दिन है और आज अगर हम बात करें तो शासकीय भूमि पर कब्जे, भू माफिया और लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती स्थिति, इन मुद्दों को लेकर फिर से विपक्षी सदस्य सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे और इन मुद्दों पर हंगामे के भी आसार नजर आ रहे हैं। और इसकी तैयारी विपक्षी सदस्यों ने की है, क्योंकि उनका यह कहना है कि लगातार राजधानी सहित पूरे प्रदेश में वारदातें हो रही है, चाकूबाजी हो रही, हत्याएं हो रही है और अब तो जो लड़कियां, महिलाएं भी इस मामले में जुड़ चुकी हैं और नशा इसका एक महत्वपूर्ण वो मेन वजह है, तो इसको लेकर आज काफी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज कई प्रतिवेदन सदन में रखे जाएंगे। ध्यान आकर्षण सूचना के माध्यम से जो भू माफियाओं का के द्वारा जो शासकीय भूमि पर कब्जा किया जा रहा है, उस मामले पर जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के विधेयक जो है वो ध्यान आकर्षण लाएंगे। इसके अलावा जो कांग्रेस के जो मंत्री है सत्यनारायण शर्मा, वो RTE का लाभ गरीब बच्चों को नहीं मिल पा रहा है, उसको लेकर मंत्री का ध्यान आकर्षित कराएंगे। इसी तरह सिमगा और अगरतला में ग्रामीणों द्वारा स्पंज आयरन उद्योग का विरोध किए जाने का मामला भी सदन में गूंज सकता है। इसके अलावा विधानसभा के 6 सदस्य याचिकाओं की प्रस्तुति करेंगे, तो वहीं शासकीय विधि विषय के में 8 बिंदुओं पर चर्चा होगी। विभागीय मंत्री अलग अलग 8 संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे। मगर अगर हम आज की बात करें तो आज शासकीय भूमि पर कब्जे को लेकर, प्रदेश में राजधानी सहित प्रदेश में बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर, बढ़ते हुए नशे के कारोबार को लेकर, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो सदन का जो माहौल है वो गर्माने की पूरी पूरी संभावना है। प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण और शून्यकाल के माध्यम से ये मुद्दा लाकर विपक्षी सदस्य सरकार को घेरने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।